लोगों को बैंकिंग सिखाने के लिए काम कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से पैसे कैसे लिए जाते दिए जाते ये सिखाइए। हम सब मिलकर के देश को भाग्य बदलने का एक ऐसा उत्तम अवसर आया है, हम सब उसको काम करें। भाई साहब, अब अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, स्मार्टफोन है, उसमें 2G, 3G या 4G कनेक्शन है, तो समझिए कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक खाता भी है जिसमें आपके खर्च करने का पैसा रखा जा सकता है। जी हाँ, इसका नाम है ई वॉलेट, यानी आपका ऑनलाइन बटुआ, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसा ही है और आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप अपने मोबाइल में ई वॉलेट ऐप डाउनलोड करें, अपनी जानकारी भरकर पासवर्ड बनाएं, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से इस गुल्लक में पैसा डालें या लोड करें। जिन लोगों के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी सुविधा है, वो इसका इस्तेमाल करके अपने इस ई गुल्लक में रुपए डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, तो आप अधिकृत डीलर या अपने निकटतम CSC केंद्र के पास जाकर वॉलेट रिचार्ज करा सकते हैं। ये रिचार्ज आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज करने जितना ही आसान है, और इसके बाद इस पैसे को जहां चाहें इस्तेमाल करें। इसके तहत 3 तरीकों से भुगतान या पेमेंट किया जा सकता है। QR कोड को स्कैन करके ई वॉलेट अकाउंट होल्डर के मोबाइल नंबर द्वारा, अपने ऐप में QR कोड के जरिए ई वॉलेट के माध्यम से। इससे आप कोई भी ऑनलाइन लेन देन या पेमेंट ई वॉलेट टू ई वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे आप खरीदारी करने के साथ साथ अपनी यात्रा का टिकट भी ले सकते हैं और अन्य जरूरतों की चीजों के बिल के भुगतान के लिए इसे उपयोग में लाइए। इसमें आप जिस वॉलेट को डाउनलोड करते हैं, दुकानदार को उसी ई वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने खाते के मालिक आप, अब सारी ताकत आपके हाथ। शुरू करो, अच्छा लगेगा। डिजी धन अपनाओ, मजबूत भारत बनाओ।